जय माता दी, आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। जय माता दी। सातवां नवरात्रा माँ कालरात्रि असुरी शक्ति को दूर भगाती है और माँ दुर्गा सातवीं शक्ति भी कहलाती है। माँ दुर्गा के नाम से अभिव्यक्त होता है, जो कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के तीन नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ंग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या अतिकंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भगत पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भगत इस तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। जय माता दी। यह सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट ज़रूर करें। आप सभी से प्रार्थना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको ज़्यादा वीडियो देखने को मिल सके। राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय।